इस वेले दी अहम खबर कोटकपुरा गोलीकांड दे नाल जुड़ी हुई, जिस मामले दे विच चार्जशीट फाइल होने तो बाद हुण साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल ने अगाऊं जमानत दे वास्ते अदालत दा रुख कीता है। फरीदकोट कोर्ट दे विच उन्हां ने अगाऊं जमानत अर्जी जो है दाखिल कर दिती है। 14 मार्च नूं इस दे उपर सुनवाई होनी है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच चार्जशीट फाइल हुई सी, जिस दे विच साबका सीएम जो ने प्रकाश सिंह बादल उन्हां दा नाम दा जिक्र भी सीगा, ते इस दे नाल नाल उस वेले दे डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दे नाम दा जिक्र भी सी, ते हुण इस दे बाद इन्हां दोहां लीडरां दे वल्लों अगाऊं जमानत दे वास्ते अदालत दा रुख कीता गया। 14 मार्च नूं जो जिला ते सैशन जज है राजीव कालड़ा दी अदालत दे विच इस संबंधी सुनवाई होएगी। दसदी कि कोटकपुरा गोलीकांड केस दे विच SIT ने 24 फरवरी नूं जो चार्जशीट है वह दाखिल कीती सीगी। 6 मार्च नूं JMIC दी अदालत ने दोहां बादलों समेत होर जो मुलजम ने उन्होंने नोटिस जारी करके इसे महीने की जो 23 मार्च में पेश होने के आदेश दे दिते सन, ते जिस तो पहला हुण अदालत का रुख किया गया है अगाऊं जमानत दे वास्ते जो है वह सुखबीर सिंह बादल अते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों अगाऊं जमानत की अर्जी जो है दाखिल कर दी गई है। फरीदकोट कोर्ट के विच यह अर्जी लगाई गई है। 14 मार्च नूं इस दे उपर सुनवाई होएगी। तां कोटकपुरा गोलीकांड दे नाल जुड़ी हुई है अहम खबर सामने आ रही है। सुखबीर सिंह बादल अते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों अदालत दा रुख किया गया है। अगाऊं जमानत की जो है उसकी मांग की गई है। मेरे सहयोगी सूरज फोन लाइन पर मौजूद ने। सूरज, बेहद वड्डी अहम यह जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, अज ही यह पटीशन फाइल की गई है। जी बिल्कुल हरमन, अज ये पटीशन जी है फाइल की गई। तो दस दिए कि सब की नज़र थी कि इस पूरे मामले में जो है एडवांस जमानत की जी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। आज की गलबात की जाए, अंदेशा जताया जा रहा है कि एक दो दिन के जो है कार्रवाई हो सकती है। आज जो है प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल जो ने इन्होंने फरीदकोट अदालत का रुख किया है। अग्रिम जमानत जी है वो याचिका अपनी इन्होंने दायर किया है। हालांकि 14 मार्च जो है उस दिन सुनिश्चित किया गया है अदालत वालों सुनवाई जी होनी है। तुम दस दिए कि 6 मार्च जी है उन्होंने नोटिस जारी किया गया है। 23 मार्च में पेश होने जो नए आदेश जारी किए गए थे। जी एडवांस जमानत लगाई गई सुनवाई इतने बड़ी ही अहम रहने वाली है कि फरीदकोट कोर्ट जी है इतने जमानत याचिका जी मंजूर करती है या फिर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सूरज जो देखने वाली गल होगी कि जमानत अर्जी जो है मंजूर होंगी है कि नहीं, अगाऊ जमानत इन्होंने दोहां नेतावान मिलती है कि नहीं। बेहद ज़्यादा पखिया होया मुद्दा है चार्जशीट फाइल होने तो बाद एक बार फिर कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर पंजाब की सियासत पखी हुई है। जो अकाली दल है उसके वलों भी जवाब दिते जा रहे हैं। दूजे पास विरोधी लगातार हमलावर ने सरकार के वलों कहा जा रहा है कि किसी को बख्शिया नहीं जाएगा। तो इस दरमियान अज अदालत का रुख सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल के वलों किया गया है। कोर्ट ने जिन्हें भी लोगों का जिक्र है चार्जशीट जिन्होंने मुलजम बनाया गया है उन्होंने नोटिस जारी किया सी अते कहा सीगा कि अदालत दे विच पेश होण, जिस तो बाद अज अदालत का रुख करके सुखबीर सिंह बादल अते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों अगाऊं जमानत की गुहार लगाई गई है। मेरे सहयोगी नील फोन लाइन पर मौजूद ने। नील, किस तरीके नाल देखा जाए जेकर यह जमानत नहीं मिलती तो जेकर बिना जमानत के अगाऊं जमानत के कोई भी लीडर पेश हों कोई मुलजम पेश हों तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखो जिस तरह की रणनीति सरकार वालों या सिट वालों अपनाई गई थी उन्होंने सीधे तौर पर शामिल करने तो पहले गिरफ्तार करने की बजाय अदालत राही समनिंग करवाई गई थी 23 मार्च वास्ते। बिल्कुल, उस तो लग रहा थी कि सरकार बहुत अखे पैरी शोर होकर चलना चाहती थी। सारा मामला अदालत के थ्रू किया जा रहा था। बादल क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जो कि साबका चीफ मिनिस्टर ने, सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, तो उस वक्त उन्होंने को गृह विभाग से डिप्टी सीएम सन, तो उन्होंने वालों समा रेंद अपनी जो भी उन्होंने बेस्ट पॉसीबल जी है लीगल रेमेडी नजर आ रही थी वो यही थी कि वो एंटीसपेटरी बेल हासिल कर लेन। सो उसके मद्देनजर वो 23 तो पहला ही अज फरीदकोट अदालत च पहुंच गए ने अपने वकील राही अगाऊं जमानत वास्ते, जिससे 14 मार्च को जी है सुनवाई करेगी अदालत। हो सकता है कि उन्होंने शायद जमानत मिल जाए, बट यह है कि केस का हिस्सा बन गए ने। जिस मकसद जो आप जेकर रणनीतिक तौर पर गल करिए
ये समझा हुए कि जेकर भगवंत मान सरकार ने रणनीति अपनाई थी कि केस नू चलन दिता जाए, केस दे विच दो वड्डे नाम जेड़े ने इन्हां नू शामिल करके इन्हां नू अदालती कार्रवाई का जेड़ा हिस्सा बनाया जाए, तो उस विच जरूर सरकार कामयाब होंदी नजर आ रही है। जमानत मिलना ना मिलना वखरा विषय है, पर जमानत लई जदों अदालत पुजे ने अगर पेशगी जमानत जो कि संभव है कि मिल जाएगी, पर उस तो हुण केस तो बाहर नहीं जाणगे। गिरफ्तारी वास्ते रेड की जाती उस मनिया जा सकता सी, क्योंकि बजट सैशन आ रहा सी, सूबे दे जिहड़े राजनीतिक हालात ने उन्हां दे उत्ते असर पैंदा, सारे जने अदालती प्रक्रिया के तहत ही हुण अगे चल रहे ने, सानू फर्जी तौर ते फसा लिया, सानू मिथ के पोलिटिकल वेंडेटा तहत जिहड़ा साडा नाम चार्जशीट च पाया गया है, बजाय के उस ते धरने मुजाहरे करन दे या रौला पाउण दे या बजट सैशन च सरकार नू घेरन दे बाहर अंदर घेरन दे बजाय तो अदालती प्रक्रिया ही लै दे के बादल परिवार कोल जो भी जो मुखी परिवार दे इस केस च आए ने जिन्हां दे नाम उन्हां कोल सिवाय अदालती प्रक्रिया दे कोई रस्ता नहीं बचा, होर कोई ऑप्शन सीधा नहीं, अग्रिम जमानत इन्हां नूं नहीं मिलदी तां की होर की ऑप्शन इन्हां दे कोल रह जांदा है? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल जो ने उन्होंने अग्रिम जमानत दे वास्ते कोर्ट दा रुख कीता है, 14 मार्च नूं इसके उपर सुनवाई होएगी। जो लीगल प्रोसैस है इस पूरे केस नूं लैके उसका सामना है दोवें लीडर करते पए ने। कुछ दिन पहला ही पिछले महीने चार्जशीट दे विच नाम आया सी, सियासत एक बार फिर इस मसले नूं लैके पक्की हुई है, तो उसके बाद कोर्ट ने नोटिस इशू किया सीगा कि जिन्हें भी लोगों का नाम है जिन्होंने मुलजम इस दे विच कहा गया है उन्होंने सारियां नूं पेश होने के हुक्म जारी किए गए थे, जिस तों पहला अज अग्रिम जमानत के वास्ते प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल फरीदकोट अदालत पहुंच चुके हैं, पटीशन लगा दी गई है, 14 मार्च में इसके उपर सुनवाई होने वाली है।